अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान उद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल के ऊपर। जो ख़वातीन कहती हैं कि रोज़े के अंदर ब्लीच लगाना कैसा है, रोज़े के अंदर फेशियल करना या बालों को कलर करना कैसा है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मुकम्मल तौर पर देखिएगा और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अमूमन ऐसा होता है कि अक्सर ईद की तैयारी के लिए ख़वातीन फेशियल भी करती हैं, ब्लीच भी करती हैं और बालों को कुछ कलर भी करती हैं। अब ये रात में होना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए दिन में करती हैं। तो याद रहे, हमारे इस्लाम में यही फरमाया गया है और कहा गया है कि केमिकल्स से जो चीज़ें होती हैं उनका हमें मालूम नहीं होता कि पाक चीज़ें बनी हुई हैं या नापाक हैं। एक तो ये मसला होता है। दूसरा, इसके अंदर जो मसला आता है कि कोई भी केमिकल आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। इसके लिए उलमाए कराम का कहना यही है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। जहाँ तक रोज़े की बात है तो रोज़े में ये चीज़ें लगा सकते हैं, जैसा कि आपने अगर ब्लीच करी है, ब्लीच बालों को कलर करना ही होता है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन पहली शर्त यही है कि उलमाए कराम ने केमिकल्स यूज़ करने से इसलिए मना किया कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए। इस्लाम हमारा यही सिखाता है, हमारा इस्लाम जो हमारी सेहत के मुतालिक भी बात करता है, तो उस हिसाब से ये मना करार दिया गया। लेकिन इससे रोज़े पर कोई असर नहीं होगा, अगर कोई शख्स करना चाहे वो कर भी सकता है। लेकिन शर्त यहाँ पर यह भी है कि आप जो केमिकल यूज़ कर रही हैं वो पाक हो, उसके अंदर जो चीज़ें मिलावट हुई हैं वो पाक चीज़ें हों। दूसरी यहाँ पर बात हुई है फेशियल की। फेशियल के अंदर भी मुख्तलिफ किस्में यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ क्रीम्स यूज़ होती हैं। तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको रंगत खराब करनी है या गोरी करनी है तो आप होम रेमेडीज़ कर सकती हैं। होम रेमेडीज़ से मुराद ये है कि बेसन का इस्तेमाल, आप दही का इस्तेमाल, अगर ये नहीं तो अगर आप मज़ीद रेमेडीज़ हासिल करना चाहती हैं तो आप राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटीज मेरा चैनल देख लें, वहाँ पर मैं आपको बना बना के ईद की स्पेशल वीडियोस बता रही हूँ। तो आप वो रेमेडीज़ आप यूज़ कर लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी निस्बत इसके कि आप केमिकल इस्तेमाल करें। तीसरा सवाल कलर की आ जाती है बात, चाहे वो बालों पर कलर हो या ब्लीच के बाद जो कलर आता है वो है, तो इससे रोज़े पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात हलाल और हराम चीज़ों की आ जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप घर की रेमेडीज़ पे आएं, आप चीज़ें यूज़ करें, केमिकल इस्तेमाल ना करें, चाहे वो रोज़े के अंदर हो या फिर रोज़े के बाद अफ्तार के टाइम हो, यानी अफ्तार के बाद जैसे रोज़ा खुल जाता है। तो इन चीज़ों को हमारे उलमा कराम ने जो है मना ही फरमाया है। अगर आप लोग कर रही हैं तो इससे इंशाल्लाह ज़रा रोज़े फ़र्क नहीं आएगा, बशर्ते कि ये हलाल चीज़ें हों, उनमें कोई चीज़ हराम मौजूद ना हो। तो उम्मीद है आज की शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला है तो नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।